हेलो इंजीनियर्स, दिस रॉबर्ट शांति। तो आज आपके लिए लाए हैं ऑक्टोपेट, जो आप अपने खुद ही घर पे बना सकते हैं, जो कि बना के आप आसानी से म्यूजिक का जो ऑक्टोपेट है वो बजा सकते हैं। तो ये जो ऑक्टोपेट मैंने बनाया है, ये किस प्रकार से बनाया है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं, इसका साउंड क्वालिटी आप लोगों को दिखाते हैं। तो जब भी इस पर जैक लगाएंगे, जैक को ऑपोजिट सेट का जो जैक है वो आप हूपर पे लगा सकते हैं या फिर एम्पलीफायर पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसको आसानी से सुन सकते हैं। तो मैं अभी कैमरा पे लगाऊंगा, लगाने के बाद हम लोग इसको चलाएंगे और आप लोग इसको सुन सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से ये आसानी से इसका साउंड हम लोग सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा साउंड देता है। तो ये जो ऑक्टोपेट है वो आज हम लोग घर पे किस प्रकार से बना सकते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। द स्पॉन्सर ऑफ वीडियो चेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बर फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी के लिए जेएलसी पीसीबी। तो अगर हम लोगों को आर्डिनो के अंदर कोई बॉयस डालना है, किसी भी बॉयस को अगर डालना है, तो इसको थोड़ा कॉम्प्रेस करना होगा, छोटा करना होगा। करने के बाद इसको डिजिटली कन्वर्ट करके उसके बाद इस पर डाउनलोड करना होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है, अभी आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो चलिए अभी कंप्यूटर पे चलते हैं और इसको दिखाते हैं किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक आर्डिनो लेना होगा। तो आर्डिनो का जो आउटपुट होगा वो होगा D11। तो हम लोग इसको आउटपुट करेंगे और एक ट्रांजिस्टर के माध्यम से इसका एम्पलीफाई करेंगे। तो ट्रांजिस्टर मैं BC547 को यूज कर रहा हूँ, तो इसके माध्यम से हम लोग इसको एम्पलीफाई करेंगे। तो आर्डिनो का जो D11 है इसको आर्डिनो के जो कि बेस पे लगाएंगे और कलेक्टर को पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, 9 वोल्ट देंगे, और जो इमीटर है इसको स्पीकर पे लगा देंगे और स्पीकर का और एक कनेक्शन ग्राउंड पे लगा देंगे। इस प्रकार से ये कनेक्शन हो गया है। तो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद तो सबसे पहले हम लोगों को एक बॉयस लेना होगा। तो मैं ये बीट जो है इसको ले लिया, इस बॉयस को हम ले लिया। तो इसको डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करना होगा, ऑडासिटी को ओपन करना होगा। तो ये ओपन हो रहा है। तो जब भी ये ओपन हो जाएगा तो वही बॉयस को हम लोगों को इस पर लाना होगा। फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करके ला सकते हैं या फिर इंपोर्ट करके भी ला सकते हैं। तो ऑडियो पे क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। जाने के बाद जो बॉयस हमने अभी सिलेक्ट किया है, जैसे कि ये वाला, इसको ओपन करेंगे। तो ये आ गया है और इसी बॉयस को हम लोग अलग अलग साउंड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए यहाँ से सिर्फ इतना हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इसी बेस को हम लोग ओपन करेंगे। तो ये प्ले करने के बाद एक बेस इसमें सिलेक्ट हो रहा है, तो इसी बेस को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाना होगा। जाने के बाद 16 बिट पीसीएम पे क्लिक करना होगा। तो ये पीसीएम हो गया है और अभी नीचे का जो हार्ट्ज है इसको हम लोग 8000 करेंगे। करने के बाद हम लोगों को इसको सेव करना होगा। तो फाइल पे जाएंगे, जाने के बाद एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट MP3 करना होगा। MP3 करके हम लोगों को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे बेस 1 करके। तो अभी सेव, ओके। तो सेव हो गया है, होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए बेस 1 नाम इस पे आ गया है। तो अभी इसको हम लोग डिजिटली कन्वर्ट करेंगे। करने के लिए हम लोगों को ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करना होगा। तो एनकोड ऑडियो जो है इसको ओपन करेंगे और बेस 1 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये पेज ओपन हो जाएगा और बेस को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। करने के बाद ये जो कि कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखा दिया है, अभी ये कॉपी हो गया है, ठीक है। अभी हम लोगों को सिर्फ पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट करने के लिए इसको ओके कर दिया। अभी हम लोग आर्डिनो को ओपन करना होगा। तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो गया है। तो अभी हम लोगों को स्केच पे जाना होगा। इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाने के बाद मैनेज लाइब्रेरी, तो हम लोगों को मैनेज लाइब्रेरी पे जाके क्लिक करना होगा। तो ये मैनेज लाइब्रेरी ओपन होगा। होने के बाद इस पर कुछ डाउनलोडिंग होगा। होने के बाद हम लोगों को इस पर लिखना होगा PCM।
तो पीसीएम लिखने के बाद आप लोगों को पीसीएम दिखाई देगा, तो जब भी नीचे आएंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे पीसीएम लिखा रहे, तो इसको जस्ट हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल लेने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी ये इंस्टॉल हो गया, देखिए पीसीएम इंस्टॉल्ड, तो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी इसको क्लोज कर देंगे और फाइल पे जाएंगे, जाने के बाद एग्जाम्पल पे जाएंगे, जाने के बाद पीसीएम को हम लोगों को ओपन करना होगा। तो नीचे आने के बाद हम लोग को मिल जाएगा पीसीएम, पीसीएम यहाँ पे आ गया है, तो प्लेबैक, तो प्लेबैक के हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो कूड आ रहा है, इस कूड को हम लोग डिलीट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कर दिया, अभी इस पर हम लोग हमारा जो कॉपी हुआ है, जो थोड़ी देर बाद हमने कॉपी किया था, जो फाइल मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, ये जो एनकोड ऑडियो है इसको ओपन करने के बाद जो आ रहा है, बेस वन पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये कॉपी देखिए यहाँ पे कॉपी आ गया है, सिर्फ हम लोग को पेस्ट करना होगा। तो अभी इस पर पेस्ट कर देंगे, तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे पेस्ट आ गया है। तो जो ऑडियो हमने कन्वर्ट किया है वो डिजिटली कन्वर्ट होके इसमें पेस्ट हो गया है। तो अभी इसको जस्ट अपलोड कर देंगे, तो अपलोड करने के लिए आर्डिनो को फिट करना होगा, तो आर्डिनो का कनेक्शन करते हैं हम लोग। तो अभी आर्डिनो का कनेक्शन हो गया है, तो अभी इसको जस्ट अपलोड कर देंगे। तो अभी इस पर अपलोड कर दिया, तो ये अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिक रिसेट बटन पे क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा, और नहीं तो आप आसानी से इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं बॉयड लूप पे जाके। तो अभी देखिए जब भी इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने के बाद ये बेस आ रहा है इस पर, देखा आपने इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो देखा आपने इस प्रकार से ये काम करते हैं, तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, और प्रोग्रामिंग डाल के हम लोग अलग अलग स्विच के माध्यम से अलग अलग साउंड भी हम लोग इस पे इनपुट कर सकते हैं। तो इनपुट करने के बाद वही स्विच को हम लोग, जो कि एक प्लेट के अंदर हमने इस स्विच को लगा दिया, जब भी जो कोई भी जो स्टिक है वो स्टील पे लगेगा और ये साउंड करेगा। इस प्रकार से हम लोग आसानी से एक ऑक्टोपैड बना सकते हैं अपने घर पे। तो अभी चलिए टोटली आप लोगों को इसको दिखाते हैं किस प्रकार से हमने इसको बॉक्स को बनाया है और किस प्रकार से ये इंस्टॉल किया है। तो अभी जो ऑक्टोपैड का जो बॉक्स बनाने जा रहे हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग बिल्ड स्किल का जो ड्रिल मशीन है उसको यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा बिल्ड स्किल का, जो कि सब कुछ प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अभी देख सकते हैं ये मैकेनिकल चीज हमने बना दिया है। अभी इसका सर्किट डायग्राम लगाएंगे, लगाने के बाद इसके अंदर सर्किट हम लोग फिट करेंगे, फिट करने के बाद इसको हम लोग चला सकते हैं। तो अभी चलिए सर्किट को पहले बनाते हैं। देख सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम इसमें बना दिया हमने। तो इस पर एक माइक्रोकंट्रोलर लगाया है हमने, और एक जो कि 5 वोल्ट का जो कि आईसी हमने लगाया है माइक्रोकंट्रोलर को चलाने के लिए, और इसका आउटपुट का कनेक्शन सभी इसमें है, और ये पीसीबी है जो है वो जेएलसी पीसीबी से हमने बनाया है। तो अभी चलिए इसको हम लोग फिट करते हैं, फिट करने के बाद इसका ऑपरेटिंग हम लोग करेंगे। Thank you.
ये कंप्लीट हो गया है, तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, बॉक्स के ऊपर लोहे का प्लेट हमने लगाया है चार, आप चाहे तो 5, 6, 7, 8 लगा सकते हैं। और इसका जो सिस्टम है वो किस प्रकार से हम लोग प्रोग्रामिंग अपलोड कर सकते हैं अलग अलग बीट के ऊपर, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो और ये जो स्टिक आप देख रहे हैं, स्टिक के ऊपर हमने एल्युमिनियम का पेपर हमने राउंड करके घुमा दिया है ताकि इसके साथ इसका कनेक्शन हो सके, होने के बाद ये काम करेगा। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक ऑक्टोपैड बना सकते हैं हम लोग और म्यूजिक सिस्टम हम लोग बना के यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।